वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूँ उस्मान हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक एंड बिजनेस अब गैर आज की इस पीडियो में हम बात करेंगे तीन अदद मार्केट के ऐसे टोकन्स के बारे में जो मार्केट में जितना मर्जी यहाँ पर हमें क्रैश देखने को मिले ये अपनी पोजीशन उसके हिसाब से फौरी तौर पर रिकवर करने में कामयाब हो जाते हैं क्या होगी दोस्तों इनकी प्राइस प्रडिक्शन कहां तक इनके प्राइस यहां पर हमें मार्केट में गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और रिकवरी के क्या चांसेस होंगे इन टोकन्स में इसके ऊपर हम बात करेंगे जबकि ये तीनों के तीनों मार्केट के स्ट्रॉगेस्ट प्रोजेक्ट हैं इनमें एक टोकन ऐसा है दोस्तों जिसमें हमें अभी सूरत हाल के मुताबिक बहुत बड़ा पंप इस वक्त देखने को मिल रहा है लेकिन क्या ये आरजी है या परमानेंट इस पर भी हम बात करेंगे तो आपने क्या करना है वीडियो को करना है लाइक चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिस ना हो तो बेलाइक के बटन के साथ साथ ऑल के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा सबसे पहले हम आगाज करेंगे टी डब्लू टी से ट्रस्ट वॉलेट के इस टोकन से जो पिछले नाइन्थ ऑफ नवम्बर से लेकर आज आप देख सकते हैं कि सेवंथ ऑफ दिसंबर है एक महीना होने को है टी डब्ल्यू टी यानी कि ट्रस्ट वॉलेट का ये टोकन मुसलसल हमें 20, 25, 30 सेट की ट्रेड दे रहा है अक्सर कोई भी टोकन जब पंप करता है तो हम यहाँ पर बिना जाने कि उसके पंप की वजह क्या है हम उसमें जा कर के अपना जो कि है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कायज़ सबसे पहली बात क्या आपको ये समझना होगा कि कोई टोकन पंप बाहर करता क्यों है कितनी देर के लिए करता है और कितना ही आपको जाते जाते नुकसान दे कर जा सकता है इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि ट्रस्ट वॉलेट का ये टोकन टी डब्ल्यू टी आम रूटीन में नाइन्टी सेंट और वन डॉलर के दरमियान ट्रेड होता था अभी हमें ये दो इशारिया साठ तक का हाई दिखा चुका है मतलब के टू पॉइंट सिक्सटी का हाई ये कोई नॉर्मल हाई नहीं है जब एक रुपये की चीज़ आपको तीन रुपये में मिले और ये तो फिर डॉलर है तो गैस इसके अंदर प्राइस में पंप आने की वजह थी सिर्फ और सिर्फ दुनिया का अपना तमाम फंड ट्रस्ट वॉलेट के टोकन में लेके जाने का ट्रस्ट वॉलेट में लोगों ने अपना सारा सरमाया एज़ फॉर फंड सेविंग वक्ती तौर पे है जान अंगेजी में और समझ लें कि टेंशन के माहौल में यहाँ पर अपना फ़ंड जो ट्रांसफ़र किया और बाइंग के लिए उन्हें ट्रस्ट वॉलेट टोकन की भी ज़रूरत पड़ी तो इसका टोकन जो है वो एक शिदत अख्तियार कर गया सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँगा कि ये यह यहाँ पर क्रैश कब कर सकता है ठीक है ये क्रैश दोस्तों तब कर सकता है कि जितना भी फंड मार्केट में जो इस वक्त मौजूद था वो यहाँ से जो ट्रस वॉलेट में चला गया वो यहाँ से निकल जाए कैसे निकलेगा ये पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वक्त मार्केट दोस्तों सेवनटीन थाउजेंड ट्रेड हो रही है ठीक है अगर मार्केट किसी भी वक्त उन्नीस हज़ार या उन्नीस हज़ार पाँच सौ पर चली गई तो याद रखिएगा कि दुनिया धड़ाधड़ धर अपने फंड ट्रस्ट वॉलेट से निकालकर दोबारा एक्सचेंजेस की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट का पंप डेफिनेटली ट्रस्ट वॉलेट को गिरा देगा ट्रस्ट वॉलेट के टोकन को बूस्ट एक ही शर्त पे मिल सकता है कि अगर यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई और एक्सचेंज यहाँ पे बैंक हो जाती है फिर और पैनिक फैल जाएगा जैसे कि अभी क्रिप्टो डॉट कॉम की खबरें रुक चुकी हैं जेनेसिस की खबरें रुक चुकी हैं जब तक ये खबरें मार्केट में गर्दिश कर रही थी तो क्या हो रहा था ट्रस्ट वॉलेट टोकन के प्राइस यहाँ पे बढ़ते चले जा रहे थे कितने बढ़े हैं दोस्तों ये मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ इसकी पिछले वन मंथ की परफॉर्मेंस वन मंथ की परफॉर्मेंस से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके प्राइस में यहाँ पर कितनी कमी वाक हुई है और कितना इजाफा हुआ है सो so ये चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है जो 1.16 बल्कि एक टाइम पे ये कह सकते हैं आपके वन डॉलर से भी नीचे ट्रेड हो रहा था और बाद में अचानक से ये पिछले एक महीने मतलब अट्ठाईस दिनों में इसने अपना सबसे बड़ा हाई टू का लगाया है नो no डाउट एक टाइम ऐसा आया कि जब दुनिया ने विड्रॉल लेना शुरू किया तो फिर इसके प्राइस वन पर आ गए फिर वन पर वो कोई आप कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ ये आपको स्पेस देखने को मिल रही है ये देखिए ये सारा एरिया ये एरिया और ये एरिया इन सभी एरियाज़ में आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है कि ट्रस्ट वॉलेट का ये टोकन दो डॉलर से नीचे चला गया अभी इस वक्त अपने पीक पे है ठीक है अगर हम इसके ऑल टाइम प्राइस भी यहाँ पर देख लेते हैं तो गाइस वो आपके सामने है ये देखें ऑल टाइम प्राइस इसका क्या था 250 और अभी ये हाथ लगाकर आ चुका है 2.60 के इसका मतलब ये हुआ कि स्टॉकल के प्राइस गिर सकते हैं मार्केट में अच्छे खासे अगर मार्केट में पंप आता है तो पंप आने पे जिनकी प्राइस में कुछ इजाफा हो सकता है दोस्तों उसके ऊपर भी हम बात करेंगे सो यहाँ पे TWT को आप तब तक ही ट्रेड कर सकते हैं और मुझे ऐसे लगता है कि अगर एक बड़ी ये एक टिप होगी आप अपने पास सेव रख लें तब तक आप इसे यूटिलाइज ना करें समझिए एडवांस टिप होगी कोई एक्सचेंज की खबर मार्केट में आती है कि वो बैंक करप्ट हो गई है तो टी डब्ल्यू टी का टोकन तब हंड्रेड परसेंट चार डॉलर तक को भी छू सकता है बात को नोट कीजिएगा टेक्निकल पॉइंट बता रहा हूँ ये ना हो कि आप यही बात दरमियान में से पकड़ लें कि ये जी खाली पंप करेगा खाली पंप नहीं करेगा कोई एक्सचेंज बड़ी एक्सचेंज अगर इन दिनों करप्ट हो जाती है बैंक करप्ट तो ये चार डॉलर तक जा सकता है ये मुझे ऐसे लगता है ये मेरी जतीि राय है आप इससे पूरी तरह इख्तलाफ कर सकते हैं और ये पूरी वीडियो कोई आपके लिए फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है अब गाइज जो टोकन बहुत ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट में वो है एल टी सी या बढ़ते हैं एल टी सी की तरफ सो so गाइज हमने एल टी सी का पिछले वन मंथ का चार्ट ओपन किया है ठीक है हम अगर पूरे तीस दिन पीछे जाएँ तो ये सेवेंटी पॉइंट एटी पे ट्रेड हो रहा था मार्केट नॉर्मली चल रही थी और मार्केट के पूरे 28 दिन पहले की बात करें तो नाइन्थ ऑफ नवंबर को मार्केट क्रैश हुई नाइन्थ ऑफ नवंबर के बाद हमने क्या देखा कि इसके प्राइस क्रैश होने के साथ साथ क्रैश हुए जो कि एक नॉर्मल बात थी बहुत बड़ा पैनिक था आपको सब दोस्तों को याद होना चाहिए ये ऐसा समझने के मनूष किस्म का क्रैश था कि ये रुकने का नाम नहीं ले रहा था तकरीबन नौ दिन तक मार्केट क्रैश होती रही लोगों ने अजीब अजीब राय दी क्रिप्टो फिनिश क्रिप्टो एंड हो गई बी टी सी एंड हो गया फराना हो गया तो लिहाजा एक नॉर्मल सी बात है कि एल ने भी लो लगा दिया ये देखें अब तक का पिछले महीने का सबसे बड़ा लो जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ करीब फोर्टी डॉलर का अब उनचास डॉलर का एल जैसा प्रोजेक्ट अगर ये ट्वेंटी का लो भी लगा देता तो भी कोई बड़ी बात ना होती क्योंकि आपके सामने देखे देखिए क्या सोलाना का क्या हाल हुआ तो हमें एल में ट्रेड करने से पहले यह सोचना होगा कि अब एल को कौन होल्ड करता है कौन सी एक्सचेंज है जो अपने पास एल को रख के बैठी हुई है पता चले कल को उसके पड़क्च्चे उड़े तो एल के भी पड़के उड़ जाएँ तो हमने क्या देखा कि मिड ऑफ द मंथ जब आधा नवंबर गुजर गया कह सकते हैं कि 26 नवंबर के बाद से अब तक एल अकेला परफॉर्म कर रहा है नॉन स्टॉप कर रहा है और 84 तक का हाई लगाया गैस जब इसने लो लगाया यहाँ पर करीब दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ फोर्टी नाइन डॉलर तक का तो तब मैंने आप दोस्तों से एक लॉन्ग टर्म की वीडियो शेयर की अल्हम्दुलिल्लाह आपने उसमें से डेफिनेटली अर्न किया होगा अभी भी उस वीडियो के अकॉर्डिंग आप अच्छी खासी प्रॉफिट में हैं एटी फोर में सेल कर दिया तो भी आप प्रॉफिट में हैं अब पीछे रह जाता है कि अब इन दिनों में एल की क्या सूरत हाल हो सकती है दोस्तों थर्टीन ऑफ दिसंबर को है एक लास्ट इवेंट बहुत बड़ा इस साल का यानी कि सी रिपोर्ट उसकी रिपोर्ट के दिनों में ये लो लगा सकता है 68 डॉलर तक का अड़सठ का लेकिन ये एक ऐसा टोकन है जैसे जिस भी अभी हम इन दिनों में जिस भी रेट पे बाय कर रहे हैं ये हमें उसमें तीन से चार से डॉलर की ट्रेड दे, दे देता है ये तो दोस्तों डेली की ट्रेड है रही बात लॉन्ग टर्म की अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एल को यूटिलाइज करना चाहेंगे और पम्प एंड डंप की मौजूदा सूरत हाल में एल इज़ द नंबर वन एंड सेकंड जो मैं इसके बाद आपसे शेयर करने वाला हूं डबल ए वी ई उस पर भी हम बात करेंगे सो so गाइज इसके तीन लेवल जो मुझे मार्केट में बनते दिखाई दे रहे हैं अब तक की इसकी सबसे बड़ी सपोर्ट है फोर्टी सेवन डालर सैतालीस डॉलर उसके बाद जहां ये नॉर्मली टच होकर आया है वो है सिक्सटी फोर डॉलर और उसके बाद है दोस्तों सौ सेवेंटी थ्री डालर तिहत्तर चौंसठ और सैतालीस ये इसकी तीन सपोर्ट हैं डिफरेंट सपोर्ट्स में आपने खुद वर्क करना है समझना है कि ये तीन सपोर्ट में वाकई ही काम करता है और रिटर्न करता है और मार्केट में आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिल सकती है लेकिन जरूरी होगा कि बी अगर तेरह हजार डॉलर को भी टच कर दे तो इसका आखिरी लेवल जो मुझे बनता दिखाई दे रहा है वो है थर्टी फाइव डॉलर का तो हर ट्रेड इन दिनों मार्केट में विथ प्रिपरेशन के साथ हो सकती है और ये वो टोकन है जो क्रैश होने के साथ क्रैश और पंप होने के साथ इस वक्त पंप भी हो रहा है अब बढ़ते हैं डबल एवी की तरफ सो एस डबल ए वी का पिछले वन मंथ का मैंने चार्ट ओपन किया है ये इस वक्त 62 डॉलर पे ट्रेड हो रहा है जब मार्केट में क्रैश आया ये 87 सेवन से नाइन्टी सेवन के दरमियान ट्रेड होता था और सम टाइम 120 को भी हाई कर देना ये एक नॉर्मल सी बात थी अब बात करते हैं कि इसने इस क्रैश में जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ लंबा चौड़ा इसने मिनिमम लो क्या लगाया फिफ्टी डॉलर का अच्छा अब उस फिफ्टी डॉलर के अकॉर्डिंग इसमें रिकवरी उस लेवल की नहीं आई जो एल में आई तो आज की वीडियो में नंबर वन पे है दोस्तों एल टी पे है डबल ए और थर्ड पे है <coughs> माध्यम चाहता हूँ दोस्तों यहाँ पर टी डब्ल्यू टी अच्छा अब हमने क्या करना है दोस्तों ये बड़ी अहम बात होगी और इसे आपने फॉलो करना है यहाँ पर मार्केट में एक बड़ा क्रैश आता है तो डबल ए वी ई हमें अड़तालीस डॉलर का लो दिखाएगा अब फर्स्ट एंट्री हमेशा रिस्क के तौर पे होती है और इसका जो नॉर्मल आजकल के दिनों में लो है वो है दोस्तों फिफ्टी सेवन लेकिन मैं समझता हूं कि फिफ्टी सेवन एक नॉर्मल एंट्री जो कि है यहां पर बनती है उसके बाद फोर्टी एट डॉलर अगर मौजूदा दिनों की बात करें दोस्तों तो ये सिक्सटी टू डॉलर से सिक्सटी सिक्स डॉलर के दरमियान नॉर्मली ट्रेड हो रहा है लिहाजा हम इसको फॉलोअप में करेंगे दोस्तों इसकी एक सपोर्ट जो है वो है फोर्टी एट डॉलर की एक है फोर्टी टू की इसे हम फॉलो करके डबल ए बी ई मार्केट वर्ड यूटिलाइज़ कर सकते हैं और जहां पर भी आपको थोड़ा सा प्रॉफिट हो आप मार्केट से एग्जिट कर सकते हैं सो so गैस इसके साथ साथ के हम वीडियो को अख्ताम करें वीडियो की स्क्रीन पर लगाए हुए तमाम डिस्क्लेमर्स आप सब दोस्तों के लिए की बका के लिए होते हैं इन्हें मस्ट स्टडी करें आप कतान इन्हें इग्नोर ना करें और इसके साथ साथ वी हैव नो टेलीग्राम ग्रुप वी हैव नो व्हाट्सएप ग्रुप अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़